हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड, जहाँ पे हम आपको डेली अपडेट्स देते हैं जो भी मार्केट्स में होता है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट्स हो, और चाहे रियल स्टेट की कोई भी न्यूज़ आई हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्रीशियस मेटल्स हो, उसकी जो जो न्यूज़ आती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉइन मार्केट कैप पे अभी हम खोल के रखा हुआ है, सो स्टॉक मार्केट इसका क्रिप्टो का देख लेते हैं क्या हाल है आज। तो बिटकॉइन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एथीरियम इस टाइम पे 343 के अराउंड है, तो अभी 350 क्रॉस नहीं किया, कल भी इसके ही अराउंड था। और टॉप गेनर्स देख लेते हैं एक बार चेन पे क्लिक करके, किसने सबसे ज़्यादा अभी पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा चेंज आया है। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक स्टैक, IOST, ट्रोन, ट्रोन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी देर से एक मूवमेंट दिखा रहा है, पहले भी इसका एक आया था चेंज, तो ये देखने वाली बात है कि ट्रोन का कैसे किस तरीके से रहा है और कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद डैश हो गया, जिल्ली का हो गया, और जी कैश है, बैनेंस का खुद का कॉइन है, जब से इन्होंने वो पूल कराया जहाँ से अब यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं, तब से ये BNB जो कॉइन है ये काफ़ी बड़ा है, कंपाउंड 6% के अराउंड बढ़ा है, $173 के अराउंड है। बिट टोरेंट भी बड़ा है, जो जस्टिन सन का ही प्रोजेक्ट है जो कि ट्रोन के CEO हैं, सो उनके लिए काफ़ी सही बात है कि उनका ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, मनेरो भी अराउंड 5% के अराउंड, मनेरो जो है वो बड़ा है। सो मनेरो भी इस टाइम पे $81 के अराउंड कर रहा है, तो ये आज का एक मोटा मोटा हाल है जो कि अभी है। वो BTC डोमिनेंस अराउंड 57% है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी इस टाइम पे सही है, और मार्केट इस टाइम पे थोड़ी सी स्टेबलाइज हो रही है, जो पीछे सेल ऑफ आया था, जैसा कि आपने देखा था कि बिटकॉइन में काफ़ी तगड़ा सेल ऑफ आया था, एंड उसके बाद एथेरियम में भी काफ़ी तगड़ा सेल ऑफ आया था। तो हकीम कह रहे हैं हेलो, हेलो हकीम, गोविंद कह रहे हैं हेलो, तो जो भी लोग हमारी लाइव स्ट्रीम में इस टाइम पे कनेक्टेड हैं उन सबको मेरी तरफ़ से हेलो, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो जो भी हम स्ट्रीम कर रहे हैं, जो भी आपके जो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपके उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लेने के लिए, और साथ में मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो जिस तरीके से पहले इथेरियम 490 के अराउंड जाके आया था, उसके बाद एक सेल ऑफ आया है, बिटकॉइन भी $12,000 से सेल ऑफ होके आया है, तो ये सेल ऑफ के बीच में आपको बस ध्यान रखना होता है कि आप अपना जो आपका इस टाइम पे भरोसा है मार्केट पे वो बनाए रखें, रैदर देन थिंकिंग कि ये नीचे चला गया मेरा लॉस हो गया। बहुत सारे हम मैसेज पढ़ते हैं जो इमेच्योर, जो भी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं लोग, कि सर ऐसे हो गया मुझे बेच देना चाहिए। देखिए कोई भी ये बहुत ही लंबी रेस है, राइट, अगर आपको बढ़िया काम करना है तो आपको लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। तो ये है मोटा मोटी बात जो समझने वाली है। तो ऐसे पोलका डॉट अभी भी 7th नंबर पे है, बनायंस को 8th नंबर पे, बिटकॉइन SB को पीछे छोड़ चुके हैं, लाइट कॉइन है इस टाइम पे, टेजोस 50 नंबर पे पहुंच चुका है, टेजोस जो कि जो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट माना जाता है। एंड अब थोड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि न्यूज़ से शुरू होने से पहले एक उन्होंने देख लेते हैं कि क्वेश्चन भी आया है कि सर एथेरियम का पंप कब शुरू होगा। जैसा कि हमने कल की स्ट्रीम में भी कहा था कि देखिए एथेरियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड करेंसी है। तो अंडर वैल्यूड क्यों है, उसका रीज़न आप ऐसा समझिए कि जो एथेरियम है और जो उसके प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो बिल्ट होता है वो ERC20 टोकन्स है। तो चाहे वो आप चेनलिंक की बात करें, चाहे डिफरेंट अदर ERC20 टोकन्स है, USDT हो गया, वो सब इस पे बने हुए हैं। तो एथेरियम का मार्केट कैप कम है लेकिन इनका जो कलेक्टिव मार्केट कैप है वो उससे ज़्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। जो आपके पास ये है कि मान लीजिए आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कुछ बिल्ड करा है वो कम प्राइज्ड है और आप जिस जो बना रहे हैं वो ज़्यादा प्राइस हो गया। अगर चेन लिंक को देखा जाए तो चेन लिंक इज जस्ट ए डाटा एग्रीगेटर, तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है, तो एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़नेबल लगता है कि एथेरियम की भी प्राइस उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो एथेरियम का जो इस टाइम पे वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है,
और जहाँ तक रही बात कि कब पंप शुरू होगा, देखिए ऐसा होता है कि पंप कब शुरू होगा ये कोई नहीं बता सकता, जब मार्केट को लगेगा, जब मार्केट रैशनलाइज तरीके से सोचती है। बिकॉज देखिए ये आज मैं सोच रहा हूँ कि एथीरियम को चढ़ना चाहिए, एथीरियम अंडर वैल्यूड है, जब ये मार्केट में मैक्सिमम लोग सोचना शुरू कर देंगे। अब वो सोचना कब शुरू हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, यानी कि जैसे एथीरियम 2.0 का लॉन्च हो सकता है सक्सेसफुल रहे, थोड़ा सा लोगों का जो विश्वास इस टाइम पे थोड़ा सा रहा है और लोगों ने इतना ज़्यादा इस पे पैसा नहीं लगाया, वो इसलिए भी थोड़ा सा इशू रहा कि जो एथीरियम 2.0 की जो टाइमलाइन थी वो बार बार चेंज होती रही, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ रही है अभी तक। और अभी भी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी उन्होंने बनाई नहीं है या सामने लेके नहीं आए हैं कि उसको कैसे करने वाले हैं ये लोग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसको चीज़ को समझा जाए और ये दिखाया जाए। तो ये अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखा जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, सुशी कितने तक जाएगा ब्रो, मिस्टर झा पूछ रहे हैं। एंड उसके बाद एक हकीम जी का भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सुशी कॉइन कैसा है, मैंने $10 का उठाया था, अब ये वापस कहाँ तक जाएगा। तो सुशी में मैं आपको बता रहा हूँ कि सुशी में थोड़े से बग्स भी आए हैं और उनके जो को-फाउंडर हैं उन्होंने भी अपना जो प्रोजेक्ट है उसको छोड़ के FTX के जो CEO हैं मिस्टर सैम उनको दे दिया प्रोजेक्ट, तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, टेक्नोलॉजी में बग भी आया है। तो अब मार्केट कब उसको वैल्यू करेगी और कब उसको वापस लेके आएगी उस प्राइस पॉइंट पे, ये देखने वाली बात होगी, राइट। बिकॉज अभी उसमें एक बहुत तगड़ा बग आ गया है कि उसमें गवर्नेंस का बग है बेसिकली। तो उस बग में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक, आपने खरीद लिया सुशी, तो आपको आगे डेलीगेट करनी है पावर किसी को, एंड अगर आपने उसको बेच दिया बाद में तो वो भी आगे किसी और को डेलीगेट कर सकता है अथॉरिटी, तो उसकी वजह से डबल स्पेंडिंग हो रही है पावर की। तो इसमें काफ़ी तगड़ा बग है, तो प्राइस को लेके तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही सुनी है हमने, तो ये इशू है। अब ये जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं कि द राइस ऑफ डेक्सिस फ्यूल्ड बाय डीफाई एंड रेडी टू डिस्ट्रप्ट, तो ये डेक्सिस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं कि इसमें ऑटोमेटिक आप एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट में एक्सचेंज करते हैं किसी और बंदे के साथ, तो इसमें कोई मैचिंग इंजन नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, जो बिड करते हैं वो जो बायर सेलर होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज मैचिंग सिस्टम नहीं होता। तो कॉइन बेस प्रो को इसने ट्रेडिंग वॉल्यूम में पीछे छोड़ दिया है, तो कॉइन बेस प्रो जो कि US की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस रही, तो उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो डेली वॉल्यूम में काफ़ी ऊपर चढ़ गए। रीज़न भी यहाँ पे आप बड़े बड़े कॉइन जो हैं वो उनको कर सकते हैं, लिक्विडिटी वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और यूनिस्वैप की जो पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह से ही ये सबसे बड़ा रीज़न था कि जो इथेरियम की गैस प्राइसेस थी वो सबसे बड़े ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज अगर आप ईथर गैस स्टेशन में भी जाके चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ईथर को नेटवर्क को यूज़ कर रहा है वो यूनिस्वैप है, सेकेंड नंबर पर USDT आता है, थर्ड पर फोरसेज आता है, और उसके बाद अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आते हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ जो है वो यूनिस्वैप कर रहा है, इसी वजह से उसका इस टाइम पे प्राइस भी बड़ा था। तो यूनिस्वैप की डेक्सिस की पॉपुलैरिटी इसी वजह से है कि वहाँ पे जो टोकन्स है वो मोस्टली मिल जाते हैं और वहाँ पे लोग कर सकते हैं, इस तरीके से लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से कर सकते हैं, और लोगों को थोड़ा ये भी है कि फंड्स अपने पास रहते हैं रैदर देन कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास दीजिए, बहुत सारे हैक्स भी हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों कहा भी जाता है कि योर कीज योर बिटकॉइन, अगर आपके पास खुद की प्राइवेट कीज़ है तभी आपके पास बिटकॉइन है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आपके पास खुद के बिटकॉइन हैं, सॉरी कीज़ हैं, प्राइवेट कीज़, तभी आप उसको मान सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा फेमस सेइंग है, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मतलब ऐसा है कि वो फ्रॉड कर लेंगी, बट थोड़ा अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, तो डीफाई का जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, इसकी वजह से ही ये डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन है टैक्सीज को लेके, डीफाई को लेके, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी नारायण बहेती ने एक कमेंट करा है, सर विच प्लेटफॉर्म इज़ गुड टू बाय बिटकॉइंस एंड एथेरियम इन इंडिया। नारायण आई विल सजेस्ट टू गो विद वजीरेक्स, तो आप वजीरेक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनका जो ओवरऑल जो इंटरफेस है इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट तो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, और हमने वीडियो भी बना रखी है,
आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वज़ीर एक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं एंड आपको इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ ये जो है किस तरीके से काम करता है, और वज़ीर एक्स पे आप जाके बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये बात है। एंड उसके बाद जसदीप बख्शी जी कह रहे हैं टेल अस अबाउट डब्ल्यू आर एक्स। तो देखिए डब्ल्यू आर एक्स टोकन जो पीछे एक थोड़ा सा एक इसका राइज आया था वो इस वजह से आया था कि शायद जो है डीफाई में कुछ लॉन्च करने वाला है वज़ीर एक्स, और एज ए गवर्नेंस टोकन यूज़ किया जा सकता है डब्ल्यू आर एक्स को, उसकी वजह से आया है। तो निश्चल शेट्टी जी उन्होंने अभी कहा है कि इस सितंबर एंड तक वो लॉन्च करेंगे, जो भी करने वाले हैं क्या होगा किस तरीके से होगा, वो मैटिक पे बिल्ड किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से उसको लेके आते हैं, और जो डब्ल्यू आर एक्स जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो यूज़ केस है डब्ल्यू आर एक्स का वो मोस्टली एक्सचेंज पे आपको ट्रेडिंग फीस पे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे वज़ीर एक्स की ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे ही ये बढ़ेगा। तो ये डब्ल्यू आर एक्स का सीधा कोरिलेशन ही है उस तरीके से कि जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा और उसी तरीके से उसका प्राइस भी आगे आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ता जाएगा वज़ीर एक्स पे इतने वॉल्यूम्स बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। आज़ाद कह रहे हैं हेलो हेलो। नारायण कह रहे हैं थैंक्स फॉर द प्रॉम्प्ट रिप्लाई सर। थैंक्स नारायण फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। जो भी आपके डाउट्स हैं हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि डीफाई इज़ हॉट बट रिटेल इंटरेस्ट नोवेयर क्लोज टू आई सी ओ फ्रेंजी। तो ये डीफाई की बात है जो बात करी जा रही है कि डीफाई की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसको एक कंपेयर करा गया है कि जो 2017 के अराउंड आईसीओ का एक आया था कि हाँ बबल टाइप जो कहते हैं लोग, तो वो जो बबल था वो काफ़ी तगड़ा बबल था और लोगों ने कुछ भी आप ऐसा समझिए कि वाइट पेपर निकाल के 10-10 मिलियन डॉलर्स जो थे वो रेज कर लिए थे। तो उस टाइम पे हर प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलती थी, और जो शिट कॉइन्स बेसिकली हम उनको कहते हैं शिट कॉइन्स होते हैं जिनकी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती या उनका कोई यूज़ केस होता नहीं है, जस्ट बना दिए जाते हैं। तो लोगों ने बहुत सारा उसमें करा एंड मतलब ये एक कह सकते हैं कि उस टाइम पे नई नई मार्केट थी और लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया इससे। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया, मेजोरिटी ने गवाया ही। इसकी वजह से वो काफ़ी नेगेटिव माना जाता है कि हाँ ये डीफाई का है। तो इसमें थोड़ा कंपैरिजन करा गया है, जैसे टोटल वैल्यू लोग जो है वो अराउंड 9 बिलियन डॉलर है जो सिर्फ इस साल डीफाई में लोक हुई है, चाहे वो लेंड करने के लिए हो, स्टेक करने के लिए हो। एट द सेम टाइम जो कि आईसीओ के 2017 के अराउंड 5.5 बिलियन डॉलर के अराउंड था जो रेज़ किया गया था। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रेज़ किया गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं। अभी डीफाई में भी बहुत सारे लोग पैसे बना रहे हैं यील्ड फार्मिंग करके, एक टोकन्स कहीं पे आगे स्टेक कर रहे हैं, वहाँ से कुछ टोकन्स मिलते हैं उसको आगे स्टोक कर रहे हैं। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि हाँ ये भी एक नेक्स्ट बबल हो सकता है। बट एज इट अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ एज ए सोच वाइज देखें कि जो डीफाई के पीछे की सोच है, तो अभी आप जैसे बैंक्स में जाते हैं तो आपको लोन्स जो हैं वो इजीली नहीं मिलते, राइट। डीफाई क्या है, उसको पूरा रेवोल्यूशनाइज कर रहा है एंड इट्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा आगे लोगों को बढ़िया आगे दे सकती है। और सिंथेटिक, जैसे अगर हम सिंथेटिक की बात करूँ तो कितना बढ़िया कंसेप्ट है कि मुझे कुछ लेना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे सोना ख़रीदना है तो एक सिंथेटिक सोना मैं एक टोकन ख़रीद सकता हूँ जो कि एक सोने को इतना उसके कोरस्पोंडिंग डोनेट करेगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद कंपाउंड देख लीजिए, पूल टुगेदर देख लीजिए जो लॉटरी सिस्टम है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, और ऐसी सारी चीज़ें अगर आती रहेंगी तो डीफाई की ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये थी थोड़ी क्रिप्टो की बात। आप थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ भी न्यूज़ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो हाल है वो किस तरीके का रहा एंड किस तरीके की मार्केट्स रही। तो आज थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो, निफ्टी भी थोड़ा गिरा हुआ है, सेंसेक्स भी गिरा हुआ है, और आईपीओ भी खुल रहे हैं इस हफ्ते, 2 आईपीओ खुल रहे हैं, एक तो आज कल में खुल गया है, और रिलायंस भी बड़ा है और टीसीएस बड़ा है, भारती एयरटेल नेगेटिव रहा, बजाज फाइनेंस भी नेगेटिव रहा। तो थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि ये क्या कारण रहा, थोड़ा बिजनेस न्यूज़ समझते हैं।
न्यूज़ को एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट में आज क्या क्या न्यूज़ आई। पहले हैप्पीएस्ट माइंड की देख लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का कल आईपीओ जो था वो खुला है, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रे मतलब प्रीमियम मिला है ग्रे मार्केट में उसको, और रिटेल फ्रेंजी के आ जा रहे कि हाँ उसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया, उसका पीछे क्या रीज़न था, तो ये रीज़न क्या था कि क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जो अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की, तो इतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्यों करा है, तो उसका रीज़न ही ये है कि जो जैसे अभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोगों के पास टाइम है, तो टाइम होने की वजह से लोग अब इसमें आ रहे हैं एंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि हाँ इतने ज़्यादा आए, जैसे अभी 5paisa की तरफ से आया कि हाँ हमारे बहुत सारे जो नए यूज़र्स प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हर महीने रिकॉर्ड जो है वो देख रहे हैं कि हाँ रिकॉर्ड नंबर ऑफ अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो, तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से वो चल रहा है। तो अगर आप भी लग रहा है कि हाँ इस टाइम पे हमें स्टॉक मार्केट्स में आना चाहिए और एक बुल रैली आ सकती है अगर आपको लगता है, तो आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं डीमैट का, जैस सब ब्रोकर्स है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए रिटेल का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये दिखने वाली बात है। ये यूएसए की न्यूज़ है। टेस्ला और एप्पल के जो स्टॉक है वो कम हिट हुए हैं, इसकी वजह से नेस्टेक जो वहाँ का इंडेक्स फंड है, जैसे इंडिया में सेंसेक्स है, निफ्टी, वहाँ पे नेस्टेक है, तो इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो IRCTC में 15 से 20% जो है अपना स्टेक जो है वो एक और कर रही है। पहले भी IPO आया था, गवर्नमेंट ने अपना स्टॉक जो है वो ऑफ लिफ्ट करा था, छोड़ा था उसको, ऑफलोड कर दिया था, तो गवर्नमेंट LIC का भी आ रहा है कि हाँ LIC का भी करेंगे। तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो नज़रिया है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कंपनीज, इंडियन रेलवेज़ है, और LIC का जो IPO होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा IPO होने वाला है, तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से रहता है ये। और एक गोल्डमैन की तरफ से एक और न्यूज़ आई है जो कह रहा है कि इंडिया में जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है उसमें जो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव GDP ग्रोथ रह सकती है, रिसेशन और ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। गवर्नमेंट को स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है, तो GDP जो नेगेटिव वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये देखने वाली बात होगा किस तरीके से। तो एक और निखिल का एक क्वेश्चन है, सर रिपल को एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो में गिना जाता है, फिर भी इसकी वैल्यू $1 बिलियन क्यों नहीं पहुंच पाई। देखिए हाँ रिपल हाँ स्ट्रॉन्ग तो है, उसकी जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं एक जगह दूसरे बैंक्स की काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा निखिल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके थोड़ी जो कम्युनिटी है वो थोड़ा ये सेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, बैंक्स के साथ काम करते हैं, जो क्रिप्टो की कोर कम्युनिटी है वो इतना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा वो इशू रहता है। बट ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो रिपल के साथ जो उसका रहता है कि जिस तरीके से ये जंप करता है जब प्राइस, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशली हाई प्राइस बढ़ता है। अभी पीछे भी कुछ टाइम पहले भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था इसका, एकदम से अराउंड मुझे याद है 20 से 30% ही कुछ ही मिनटों में बढ़ गया था। तो ये इसकी रहती रहती है कि हाँ ये बढ़ता रहता है, एंड ये इसकी खास बात है कि हाँ ये बढ़ता रहता है। बट जैसे ही उन मार्केट को लगेगा निखिल कि हाँ अभी है करना चाहिए रिपल को, तो मार्केट करेगी एंड उसी हिसाब से काम करेगा। अभी देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है, एंड वही वाली बात है, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये काम करेगा। देखते हैं अभी, तो ये विप्रो की कुछ न्यूज़ है कि विप्रो को ऑर्डर्स मिले हैं, तो आगे PNB की भी कोई न्यूज़ है कि उन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिस पोस्ट भी निकल रही हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो IPO है वो 8.4 times सब्सक्राइब हुआ है day 2 पे, तो यही जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि जो IPOs के लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। रोसबेरी बायोटेक का जो IPO आया था वो भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था, उसके बाद माइंड स्पेस का IPO आया था वो भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था, अभी 5 के अराउंड आ रहे हैं। UTI AMC का IPO आ रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड का आ रहा है,
उसके बाद अभी 9 तारीख को कल ही राउट मोबाइल का भी खुलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे जो IPOs हैं वो खुल रहे हैं इस महीने, अराउंड मेरे हिसाब से 5 मैंने देखा था, 5 खुल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि बाकी FPS माइंड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो बाकी बाकी किस तरीके से ग्रो करते हैं और बाकियों का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है, वो सभी नया जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है कि इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट्स में आते हैं, तो लोगों को यही लगता है कि हाँ भाई कि ये तो जुआ है, बट जिन लोगों को पता है कि अच्छे तरीके से वो समझते हैं तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। आपको अच्छे तरीके से अगर आप सोच समझ के करेंगे, चाहे वो क्रिप्टो है चाहे वो कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप अच्छे तरीके से समझदारी से आप किसी भी मार्केट में एंटर करें, चाहे क्रिप्टो हो गोल्ड हो, फंडामेंटल्स चेक करते रहिए कि किस तरीके से काम करता है और पढ़ते रहिए, यू नो बेसिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें एक कमेंट आया था कि सर क्रिप्टो की ABCD कहाँ मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे कमेंट आते हैं कि लोग हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं क्रिप्टो की ABCD, अब हमने स्टॉक्स की ABCD भी शुरू कर दिया है, अराउंड 850 वीडियोस बना रहे हैं। तो हम बेसिक जो टर्म्स होती हैं, बहुत सारे लोगों को जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो समझ में नहीं आती, तो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हिंदी में बताया है, आगे जाके हम और रीजनल लैंग्वेजेस में भी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। एट द सेम टाइम हम इवेंट्स लेके आते रहते हैं, जैसे फिन स्टॉक्स हमारा अभी लाइव है जिसमें आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझ सकते हैं, क्रिप्टो नेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ों का आपका जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है उससे काफ़ी बढ़िया लगता है कि हाँ एक कम्युनिटी है जो हमें सपोर्ट कर रही है, और आप लोगों की वजह से ही आज हमारे इतने ज़्यादा जो सपोर्टर कह लीजिए, आप लोगों की वजह से ही है। तो इसी तरीके का आपका सपोर्ट रहना चाहिए और आगे भी हम बढ़िया बढ़िया जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेके आते रहेंगे। आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट अपने रिप्लाई, जो भी आपको सवाल पूछना है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हम सबको रिप्लाई कर देने की कोशिश करते हैं। इवन यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट आते हैं उस पर रिप्लाई करते हैं, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इमिडिएटली उसका रेजोल्यूशन आ सके। बिकॉज हमारा वही मुद्दा है कि कम्युनिटी को इंगेज करके रखना है और बढ़िया उनको चीज़ें बतानी है। तो ये जो न्यूज़ है प्रेस्टीज ग्रुप की तरफ से है, जो कि रियल स्टेट में काफ़ी बड़ा तगड़ा ग्रुप है, तो उन्होंने कहा है कि प्रेस्टीज ग्रुप ने थर्ड प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहा है एक ही महीने के अंदर अंदर। तो इन्होंने पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं जो कि वर्चुअली करें, बिकॉज कोरोना टाइम्स है तो यू कॉन्ट डू दैट, आप फिज़िकली तो कर नहीं सकते। तो ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट होगा, तो लग्जरी मार्केट आपने पढ़ा होगा कि लग्जरी मार्केट जो रियल स्टेट में है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी है। उसका क्या रीज़न है कि लग्जरी मार्केट जो है वो ज़्यादा बढ़ी है? उसका रीज़न एक ही है कि जो लोग इंडिया में पहले नहीं थे, जो NRIs थे, जो बाहरले देशों में रहते थे, तो जब उन्हें कोविड हुआ और उन्हें यहाँ पे आना पड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा एक फियर हो गया, तो अपने आप को वो सिक्योर करने के लिए इंडिया में बढ़िया घर ही लेंगे, राइट? तो जो लग्जरी मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। जो ओवरऑल मार्केट है वो क्रैश हुई है, बट जो लग्जरी मार्केट है जिसमें अगर हम कहें 1 से 2 करोड़ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। तो ये वाली बात है, इसकी वजह से ही अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हो रही है। तो प्रेस्टीज ग्रुप का पहले भी आया था कि ब्लैकस्टोन ने उनके अराउंड 12,000 करोड़ में एसेट्स खरीदे हैं। ब्लैकस्टोन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इस टाइम पे पंपिंग कर रहा है, इंडिया में वो 2 IPO करवा चुके हैं रीट्स के, और बहुत तगड़ा प्लेयर बनने वाला है अगले आने वाले टाइम में ब्लैकस्टोन में। और जो एक रैली आएगी रीट्स की, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर होगा वो ब्लैकस्टोन होगा। उस रियल स्टेट की हमने जो रैली है वो भी काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी स्लम्प मार्केट चल रही है, तो देखने वाली बात हो गई कि किस तरीके से ये जो रैली है वो आगे जाके मूव इन करती है और क्या क्या इसमें आगे सोल्यूशन रहता है। सो गाइस मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो चाहे वो स्टॉक्स मार्केट हो रियल स्टेट हो, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये बढ़िया है वो बढ़िया नहीं है। तो ये आपको ऐसा समझना नहीं है, तो आपको समझना है कि हाँ ये बढ़िया है, और मतलब हर चीज़ बढ़िया होती है, तो जब बढ़िया टाइम आता है तो आपको हर किसी में पैसा लगाना चाहिए। बिकॉज़ एक बढ़िया इन्वेस्टर की निशानी ये होती है कि वो डाइवर्सिफाई करता है। आप थोड़ा क्रिप्टो में डालिए, थोड़ा गोल्ड में डालिए। तो जैसे हमने 2000 जब ये आप गोल्ड अराउंड 28,000 के अराउंड था, उस टाइम पे हमने ये अच्छा पकड़ लिया था। उस टाइम पे लोगों को, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इनर सर्कल्स में, उनको बताया था कि
28,000 से ख़रीदना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे लोगों ने 2x मारा है गोल्ड पे, तो उनके मैसेजेस आते हैं कि थैंक यू फॉर दिस। तो वही है कि हम रिसर्च करते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, और नए इनिशिएटिव्स भी लेके आते रहते हैं। तो अभी हम रियल स्टेट की जैसे अभी बात कर रहे थे, तो रियल स्टेट के ऊपर एक लॉस का सेक्शन भी बना रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें अंडर प्रोडक्शन है, धीरे धीरे करके हम अपलोड करेंगे इसको। तो आप लोग इसी तरीके से शेयर करते रहिए अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है हमारी। और रोज़ लाइव पे हम कोशिश करेंगे, रोज़ 9 बजे आप आइए और इसके करेंगे, इसको रोज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि बढ़िया इंटरेक्शन रहे और हम इमीडिएटली एक दूसरे से जुड़ सकें। तो समन्थक का एक क्वेश्चन है, सर TRX नेटवर्क में सन कॉइन का क्या फ्यूचर हो सकता है? समन्थक, अभी मैंने सन कॉइन का भी इतना ज़्यादा जो है एनालिसिस करा नहीं है। ट्रोन तो अभी पंप 2 बार जो है वो कर चुका है, तो एक बार मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप एनालिसिस करके ही मैं आपको बता पाऊँगा कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो समन्थक का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि सर इंडिया में रीट्स में लिक्विडिटी है और रीट्स में कितना मिनिमम होल्डिंग टाइम होना चाहिए टू गेट ए डिसेंट रिटर्न? तो समन्थक मैं आपको बताता हूँ कि रीट्स क्या है। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में होता है कि एक शेयर को बांट दिया जाता है, आप मान लीजिए कोई किसी कंपनी का शेयर 10,000 का है, राइट, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, आप महीने की 500 रुपये पे करिए और आप उसको खरीद सकते हैं। उसी तरीके से रियल स्टेट में क्या होता है कि मान लीजिए न्यू दिल्ली में एक मॉल है जिसकी वैल्यू 2,000 करोड़ है, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाएगा, जैसे 2 लाख रुपये, तो उसको हम कहते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रीट्स में तो लिक्विडिटी तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो जो भी आप स्टॉक देखिए, चाहे वो मेसी ऑफिस पार्क रीट्स हो, चाहे वो अभी जो माइंड स्पेस का है उसके देखिए, तो वहाँ पे लिस्ट हुआ है, दोनों प्रीमियम पे लिस्ट हुए थे, और उसमें जो कैपिटल एप्रिसिएशन है आप वो इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करते, रैदर देन आप डिविडेंड इंजॉय करते हैं। तो इसका मॉडल क्या रहता है कि मान लीजिए अगर तो 2000 करोड़ का मॉल है, उसने जो साल का एनुअल 200 करोड़ रुपये ऐसे रेंट कमाया, चाहे टोटल अर्निंग उसकी ये रही, तो उसमें क्या होगा कि वो जो 200 करोड़ है उसका मिनिमम 90% ऐसे डिविडेंड इन्वेस्टर्स को जाएगा। तो ये इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि मान लीजिए आप अगर 25-30 लाख का आप एक फ्लैट लेते हैं, उस पर आपको रेंट काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन अगर आप 25-30 लाख रुपये रीट में डाल देते हैं तो आपको जो डिविडेंड है वो अराउंड 25-30 हज़ार से ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और इंडिया में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इंडिया की जो सबसे बड़ी रैली, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रैली जो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि हाँ एक ऐसी रैली आएगी जो कि आज तक रियल स्टेट में कभी देखी नहीं गई होगी, वो रीट्स में आ सकती है। नो डाउट अभी मार्केट सही नहीं है, बट जिस तरीके से ब्रूकफील्ड हो, चाहे ब्लैकस्टोन हो, ब्लैकस्टोन ने तो मतलब तबाही मचाई हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें पंपिंग किया जा रहा है, तो रीट्स के लेके तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। और इस ईयर के एंड में एक और रीट आने वाला, थर्ड रीट जो कि ब्रूकफील्ड करने वाला है, तो देखते हैं उसका कैसा लोगों को रहता है। अभी थोड़ा इंडिया में समन्थक मैं कहूँगा कि अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लोग अपडेटेड नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, हमारी कोशिश है, हम रीट के ऊपर इतनी बड़ी सीरीज़ कर चुके हैं, तो आप रियल स्टेट इन्वेस्टिंग नाम से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आज हम एक थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आप बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे कर सकते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आपको सीखना है कि रियल टाइम में जो हम चीज़ें बना रहे हैं तो आप इसको कैसे हमारे जाके YouTube चैनल पे सर्च कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आता, तो अगर जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस टाइम पे वो अगर ये लोड हो जाता है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी फिन स्ट्रीट मैंने खोल दिया है, तो यहाँ पे अगर आप फिन स्ट्रीट पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैक्सिमम आपने बेनिफिट कैसे उठाना है हमारा। तो यहाँ पे लाइव आ रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्लेलिस्ट वाले इस पे, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं जो जो चीज़ें हमने बना रखी हैं। हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं इसलिए थोड़ा सा वो छुप जाता है, तो वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो स्टॉक की न्यूज़ अगर आप समझनी है, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ समझनी है,
रियल स्टेट की है, क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, तो इसमें डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या समझ सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं। उसके बाद क्रिप्टो की ABCD, तो इसमें क्रिप्टो की ABCD में अराउंड 150 वीडियोज़ हैं, तो अगर आपको क्रिप्टो का A to Z समझना है तो आप वो समझ सकते हैं। इन्वेस्टिंग के ऊपर ये प्लेलिस्ट है, तो ये प्लेलिस्ट में हमने बांटा हुआ है। स्टॉक्स की ABCD है जो भी स्टार्ट कर दी है, इसमें अराउंड 850 के अराउंड वीडियोज़ बनने वाली हैं। और वज़ीरेक्स के ऊपर ये एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप सारी वज़ीरेक्स की जो वीडियोस है कैसे चलाते हैं वो समझ सकते हैं। और ये क्रिप्टो के चेहरे एक नया हमारा प्लेटफॉर्म है हमने स्टार्ट करा है ये, जहाँ पे हम आपको क्रिप्टो के जो फेमस चेहरे हैं वो लेके आएंगे। अभी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, अभी मैं सस्पेंस बना के रखूँगा। इस वीकेंड तक हम शायद उस इंटरव्यू को लाइव करें, एक बहुत ही बड़े फेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, उनके साथ हमारा इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू यहाँ पे लाइव होगा। तो आप बने रहिए इसके ऊपर आपको। तो ये जो प्लेलिस्ट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप समझिए। जैसे रियल स्टेट का अगर आपको समझना है, यहाँ से बात कॉइन की कॉइन्स के बारे में समझना है, जो लोगों के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका रिप्लाई यहाँ पे मिलता है, पर्सनल फाइनेंस पे यहाँ पे है, फिन न्यूज़ जो होती है वो यहाँ से है। तो अभी हमने सेक्शंस में बांट दिया है, स्टॉक्स न्यूज़ और क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ को अलग अलग कर दिया है, फिर रियल स्टेट को भी अलग अलग कर दिया है, अभी और सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो जैसे स्टॉक्स की ABCD क्रिप्टो की ABCD देखते हैं, तो क्रिप्टो की ABCD में अराउंड 150 वीडियोस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट बनाइए, राइट। देखिए 150 वीडियोस हैं, तो ये जो 150 वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो आप लोग इसको चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपको लगता है कि हाँ किसी और के लिए भी बढ़िया हो सकता है तो आप आगे जाके शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपका मन हो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं। देखो इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अभी 24 वीडियोस हम इसमें डाल चुके हैं, इसमें तकरीबन 650 के अराउंड वीडियो डलने वाली है। और अभी रियल स्टेट की ABCD भी शुरू हो चुकी है, तो हमारा यही मोटिव है कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाए। तो यही है बेसिकली आज का जो हमारा मेजर एनालिसिस था कि मार्केट्स किस तरीके से चढ़ रही हैं, क्या आपको करना चाहिए मार्केट्स में। और देखिए समझदारी के साथ थोड़ा रुक के समझ के बात करिए, कोई भी अगर आप पोजीशन होल्ड करते हैं, किसी चीज़ में एंटर करते हैं, तो तरीके से करिए, लॉन्गर पर्सपेक्टिव में करिए। क्रिप्टो में तो बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा कि ट्रेडिंग मत कीजिए, लेवराइज ट्रेडिंग मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को समझ के करिए, और जो भी है। और आप संशाक कह रहे हैं, कैसे हो भाई संशाक, बहुत बढ़िया, आप सब भी मैं होप कर रहा हूँ बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। और जहाँ पे भी अपने घरों पे हैं आप हमको सपोर्ट करते रहिए। और नए हमने इवेंट्स भी लॉन्च करे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे भी आपको कुछ सीखना है तो आप वहाँ पे आके जाके रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.finstreet.in। तो ये है बात। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हम इसको कंप्लीट बंद कर रहे हैं, इसको आज का जो ये है सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं आज का जो लाइव हमारा स्ट्रीम था। तो अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो आप रेगुलरली यहाँ पे विज़िट कीजिए। हर रात को 9 बजे हम लाइव जाएंगे यहाँ पे, और आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो लाइवली मतलब एक साथ आपको क्लियर करने की कोशिश किया करेंगे। जो भी अगर आपको डाउट है तो आप इमिडिएटली हमसे पूछ सकते हैं, और हम यहाँ पर आपको इमिडिएटली बता देंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ सर ये आपका डाउट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू गाइस, सो हुएवर हैव जॉइंड अस टुडे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है उसके लिए मैं जितना भी आपका थैंक यू करूँगा उसका ज़्यादा कम है। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।